you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talk. हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब केम छो वड़काम, मेरा नाम है मोहम्मद रोहला और आप देख रहे हैं फनफिल जोन गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल का ये पहला वीडियो, और गाइस इस चैनल पे आप जो वीडियोस देख सकते हैं वो हो सकते हैं फैक्ट रिलेटेड, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हॉरर, रिचुअल्स, गेमिंग और रोस्ट। सो गाइस, आज पहला वीडियो होने वाला है। सो आज हम करने वाले हैं ऐसे दो लोगों को रोस्ट, मतलब जो बने हैं रोस्ट के लिए। सो आज के शो का नाम होने वाला है मेड फॉर रोस्ट। सो गाइस, ये जो शो है इसमें हम ऐसे दो लोगों को मतलब रोस्ट करें। पहला ऐसा आदमी है, मतलब जो है ना वो आदमी टेलर्स का बड़ा फायदा कर सकता है, मतलब जो टेलर्स है उनका वो बड़ा फायदा कर सकता है, उनका प्रॉफिट कर सकता है वो। सो गाइस, और जो दूसरा है वो बातें अच्छे से करता है, मतलब बातें उसको अच्छी लगती है खुद की, लेकिन उसमें 100% जो बातें करता है ना उनमें 20% मतलब सबको समझ आता है, 80% करता रहता है। सो गाइस, पहले करते हैं उसको रोस्ट जो टेलर का फायदा कर सकता है। तो चलिए रोस्ट करना शुरू करते हैं। अरे यार, ओए तेरा पेट दिख रहा है, कपड़े फाड़ के पतीला दिख गया। हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? पता नहीं। हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? पता नहीं। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है, इस दिल से कोई निकाल नहीं सकता है, इस दिल से इस तिरंगे को कोई निकाल नहीं सकता है। मैं इसे वाजिया करना चाहता हूँ, अगर आपने दोबारा ऐसी भी कोशिश की ऐसी बयान देने के लिए, मैं आपको बगा बगा कर पाकिस्तान भेज दूँ। वाह खुदाया वाह, आपको पता है जो इसने कपड़े फोड़े, चलो फाड़ दो कपड़े यार, फाड़ दो यार, सारे कपड़े फाड़ दो यार, अंदर का जो अंडरशर्ट है वो भी फाड़ दो। बट गाइस, इसको कपड़े फाड़ने से पहले थोड़ी लंबी अंडरशर्ट नहीं लगानी बनती थी, है क्या? मतलब इसका पतीला, जो मतलब जो इसका पेट का पतीला है ना, वो सारा रिलीज हो गया, उसके अंदर की चाय भी रिलीज हो गई। तो गाइस, और अच्छा तेरे को हिंदुस्तान के लिए प्यार जता, पर कुर्ता निकाल के, ये कुर्ता फाड़ के, इसलिए मैंने कहा था टेलर्स का फायदा करेगा, क्योंकि उनको बार बार सिलना पड़ेगा, सिलना। और गाइस, उसके बाद ये कहता है हिंदुस्तान यहाँ बसता है, मतलब दिल होता है छोटा सा और हिंदुस्तान है इतना बड़ा, इसका दिल कभी ब्लश नहीं होता है। और चलो ठीक है, वो भी तिरंगा यहाँ है, मैं बोल दूँ जावेद कुरैशी के दिल में प्रिंटिंग मशीन है, जिसने अपने दिल में ही प्रिंट कर दिया है तिरंगा, इंडिया का तिरंगा। और उसके बाद ये कह रहा है महबूबा मुफ्ती को, मैं तुम्हें भगा भगा के पाकिस्तान भेजूंगा। अच्छा, भगा भगा के पाकिस्तान भेजेगा ये जावेद अंकल, अगर आप पाकिस्तान तक भोगोगे और पता थक जाओगे, इससे अच्छा तवेरा गाड़ी एक कर लो, या फिर टेम्पो कर लो, कुछ भी कर लो, एयरपोर्ट चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन क्या थक जाओगे झूठा। और गाइस, ये कहता है इस तिरंगे को कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता, असली में इस तिरंगे को कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता। वाह क्या कन्वर्जेशन है इसकी। तो अगर गाइस आपके पास टाइम ना हो और आपको कोई कहे अरे बेटा चाय पी के जाओ, आपको कहना होगा नहीं नहीं, तो आप नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे आपका टाइम मिला जाए, आप कहना नहीं 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 नहीं, ऐसे भाग जाइए। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। चलिए अब उसको रोस्ट करते हैं जिसकी 20% बातें समझ आती है, 80% होता रहता। ओके गाइस, चलिए रोस्ट शुरू, देखते हैं। मैं पीरजदा मोहम्मद शफी शाह, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन की तरफ से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि पूरे जम्मू कश्मीर को लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यो जो अभी कोरोना वायरस वर्ल्ड में चल रहा है, कोरोना वायरस, मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग घर में बैठ जाइए, कि तब तक जब तक ये कोरोना वायरस यहाँ जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो जाएंगे, जान बच जाए सब कुछ बच जाएंगे, जान भी है सब कुछ है, जान भी नहीं है कुछ भी नहीं है। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप घर में बैठ जाए, बच्चे बूढ़े सब लोग घर में बैठ जाए, कि मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि जो पूरे वर्ल्ड में जो बीमारी फैल रही है,
मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ ये जल्द से जल्द दूर हो जाए। और दूसरा सवाल ये है कि जो बाहर से चाहे वीआईपी लोग आ रहे हैं चाहे कोई भी लोग आ रहे हैं उनको पहले टेस्ट करना जरूरी है। मैं भी दिल्ली से गाइस मुझे जावेद कुरैशी से भी ज्यादा फनी लगा, मतलब जल्द से जल्द। और कोरोना वायरस को क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस जैसे पंजाबी, और तुसी कोरोना वायरस वायरस मतलब वायरस बोल, और तुसी कोरोना वायरस मतलब ये वायरस किसका है, कोविड-19 किसका वायरस है मतलब बोली। और एक वीडियो में योगी आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ बोल रहा था, आपको पता है दोनों में फर्क है, कहां वो योगी आदित्यनाथ, ये कह के मेरे मुंह से भी निकल गया, मतलब ये है पीरजादा काफी खतरनाक है, मेरे से भी बुलवा दिया। तो ये जो योगी आदित्यनाथ है, इसका असली नाम योगी आदित्यनाथ है, ये यूपी का चीफ मिनिस्टर है, और कहां अनंतनाग कश्मीर का है। और सच्ची आपको लगा इसकी 20% बातें समझ आती है और 80% ज्यादा होता है। सो गाइज मेरी बातें हमेशा सच्ची होती है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज गाइज, और मैं ऐसे ही रोस्ट वीडियोस बनाऊंगा सिर्फ आपके लिए, बस प्लीज मुझे कीजिए सब्सक्राइब।